नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। हाँ जी, क्योंकि कुछ दर्शकों ने हमें कमेंट पे लिखा है कि सर, वेरिकोज वेन के लिए कुछ आसान सा व्यायाम बताइए, वेरिकोज वेन की बहुत परेशानी हो रही है। अगर वेरिकोज वेन को हम सरल भाषा में समझाएं तो क्या है, हमारे पैर के जो वेन्स होते हैं, ठीक है, रक्तवाह होते हैं, उसमें अगर कहीं पर भी वेन्स आपस में उलझ गया है या तो कहीं पे वेन का जो अंदर का जो डायमीटर वो नैरो हो गया है, अंदर ब्लॉकेज है, ठीक है, ठीक से क्या होता है, ब्लड उसमें से पास नहीं हो पाता है, अंदर का टेंशन बढ़ते रहता है वेन्स में, और इसीलिए पैरों के बाहर से ही पैरों में नीले नीले रंग के बहुत सारे मार्क्स दिखते हैं, जैसे कोई पेड़ का जड़ हो, इस तरह के दिखते हैं। लेकिन जब वो प्रॉब्लम और आगे बढ़ता रहता है, ब्लॉकेज और बढ़ता रहता है, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है पैर, उस पेन से बहुत परेशानी होती है। तो आज कुछ सरल व्यायाम और आसन मैं वेरिकोज वेन के लिए बताऊंगा। अब वार्म अप से हम शुरू करेंगे। पहले का जो कुछ व्यायाम है बिल्कुल सरल है, आप चाहो तो डेली एक नियमित समय तक वॉकिंग कर सकते हो, हल्का फुल्का जॉगिंग कर सकते हो, उससे भी आपके पैरों के नसों में जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगा। अब उसके बाद, उस वार्म अप के बाद आपको करना है ये 6-7 व्यायाम, ठीक है। तो पहला व्यायाम बिल्कुल सरल है, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको दंडासन में बैठना है, बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ पाते तो ऐसे बैठे, तो इसको बोलेंगे हम शिथिल दंडासन। अब दंडासन में बैठने के बाद अपने जैसे राइट लेग को हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से, और दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के नीचे से सपोर्ट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको सपोर्ट को टाइट रखते हुए अपने एल्बोस को बॉडी के पास दबा लें, और धीरे धीरे ऐसे इनहेल करते हुए हम पैर को एक्सटेंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, इनहेल। अब पैर को पहले ऊपर करें, बिल्कुल सीधा करना सीखे, इसके बाद टो को इस तरह से एक बार अंदर और बाहर हम मूव करेंगे, अगेन डाउन, इनहेल अप, देन टो मूवमेंट एंड डाउन। तो इसको आपको करना है कम से कम 5-7 बार दोनों पैरों से। समय है, अभ्यास हो गया तो और ज्यादा बार करें, ठीक है। इसी तरह से ऊपर इनहेल, 2-3 बार अप एंड डाउन, अगेन डाउन, ओके, इनहेल, 2-3 बार अप डाउन मूवमेंट। इससे क्या होगा, आपके पैरों के मसल्स पे एक्सटेंशन होगा, हैमस्ट्रिंग मसल जो थाइस के नीचे का मसल है उसमें खिंचाव आएगा, आपके आर्चलीस टेंडन में खिंचाव आएगा। जब मसल्स में आपकी खिंचाव आएगी, मसल्स में एक्सटेंशन आएगा, तो क्या होगा, अगर उस बीच में कोई वेन आपका दबा हुआ है, किसी वेन में ब्लॉकेज है, वो भी धीरे धीरे खुल जाएगा। इसको एज ए मेडिसिन आपको रोज करना है, 1-2 दिन करने से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप इसको 15-20 दिन करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फर्क पता चलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगला अभ्यास, एक बहुत ही सरल योगाभ्यास, लेकिन इसके मल्टीपल फायदे मेरे कई सारे विन्यास में, कई सारे थेरापीटिक सेट में मैंने इसको रखा है, यह उपविष्ट मर्कटासना। दोनों हाथों को पीछे रख के इस तरह से बैठेंगे, पैरों को आपस में थोड़ा गैप रखेंगे पैरों में, और फिर एक घुटने को दूसरे टो से टच करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ध्यान रखिए, हमारा जो टारगेट लेग है, जैसे मैं अपने राइट नी को लेफ्ट टो से टच कर रहा हूँ, तो लेफ्ट पैर को साथ साथ ऐसे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। यही अभ्यास वेरिकोज वेन के लिए जैसे बहुत कारगर है, वो महिलाओं के केस में PCOD PCOS में बहुत अच्छा कारीगर है, इरेगुलरिटीज इन पीरियड, जेंट्स के केस में प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे रोग का एक इलाज है। तो इसको आप तो करिए अच्छे से, दिन में कम से कम इसको आप 30-40 बार करेंगे, ठीक है। तो मैं बस आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही दिखा रहा हूँ। जितना हमारा सेट आगे बढ़ेगा, उतना हम धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला वाला दोनों बहुत सरल है, अगला जो है उसको बहुत ध्यान से देखें। इसको हम बोल देंगे फायर लॉक पोस्चर। फायर लॉक पोस्चर को अच्छे से समझिए, जैसे हम पद्मासन में करते हैं उस तरह से अपने राइट लेग को मोड़ के लेफ्ट थाई के ऊपर लाएंगे घुटने के पास। अब पद्मासन में हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैक्सिमम पीछे, जितना हो सके उतना पीछे लेके आओ, बट यहाँ पे उतना पीछे नहीं रखेंगे, इस बात को समझो, थोड़ा सा आगे थाई के पास यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा आगे वाला पैर जो, इसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे ऐसे। अब इस स्थिति में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका बैक बहुत स्टिफ है, या तो मसल स्टिफ है, तो पैर ऐसे उठा हुआ रहेगा, पूरा नीचे आएगा ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर पूरा नीचे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप एक तकिया या तो योगा ब्रिक का सपोर्ट दे सकते हो,
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया मेरा सिटिंग पोस्चर। अब जो पैर ऊपर है राइट लेग, इस घुटने को हम 5 से 10 बार नीचे दबाएंगे ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यही से दोनों हाथों को दोनों साइड में ज़मीन पे रखेंगे, दोनों नीज के साइड में ज़मीन पे हमने रखा, और धीरे धीरे अपने चेस्ट को इन पैर के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखते हुए। इसमें दोनों ही पैर के जो हिप फ्लेक्सर्स है उसमें बहुत अच्छा सा एक स्ट्रेच आएगा आपको। यहाँ से एक्सहेल, ट्राई टू गो डाउन जितना हो सकता है, आप इतना जा सकते हो तो भी बहुत है, बट कोशिश करेंगे डे बाय डे बिल्कुल नीचे जाने की। ऐसे इस जगह पे आप होल्ड करेंगे, ठीक है, कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड करें आराम से, छोटा छोटा श्वास लेते रहे छोड़ते रहे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पैरों के साइड में हिप फ्लेक्सर में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। सेम व्यायाम विद द अदर साइड। तो इस बार हमने लेफ्ट पैर को रखना है यहाँ पे, की पॉइंट्स नहीं गड़बड़ करना है, अलाइनमेंट में गड़बड़ नहीं करना है, पैर थोड़ा सा दूर, राइट लेग को भी मोड़ लिया, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे एक पिलो का सपोर्ट लेंगे। फिर फर्स्ट डायनामिक ड्रिल, ऊपर वाले पैर के नी को नीचे प्रेस करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब दोनों हाथ सामने और धीरे धीरे अपने बॉडी को नीचे करेंगे एक्सहेल करते हुए, और दोनों पैरों में जो स्ट्रेच आ रहा है स्ट्रेच को फील करते हुए 10 से 15 सेकंड हमें रुकना है, ठीक है। आप जब अभ्यास करते रहोगे आप इतना कर लोगे कि आपका पूरा फोरहेड ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, ठीक है, वो देखिए आराम ध्यान से, हमको दोनों पैरों को ऐसे 90-90 पोजीशन बोलते इसको, क्यों, देखिए मेरा राइट लेग जो है वो 90 डिग्री पे है, शिन बोन और फीमर, आपके थाइस और कफ मसल 90 डिग्री पे, दोनों थाइस के बीच पे 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब यहाँ से आपको अपने शरीर को आगे कमर से ऐसे उठाना है और हिप को थोड़ा सा आगे पुश करना है, ठीक है। तो इनहेल एंड एक्सहेल, फिर सपोर्ट लेके आराम से दूसरी तरफ घूम जाएंगे, और फिर इनहेल एंड एक्सहेल। कोई अगर ऐसे नहीं उठ पाता है तो आप किसी भी तरह से हाथों से सपोर्ट ले सकते हो, एक चेयर को पकड़ सकते हो, अपने बेंच को पकड़ सकते हो, फिर उठने की ऐसे कोशिश करें, ठीक है। इसको आपको करना है दोनों तरफ कम से कम 5-5 बार। इस तरह से उठेंगे, पूरा पैर को स्ट्रेच देंगे, अगेन गो डाउन, ऐसे घुमा के रखे पैरों को, गेट अप, कमर को थोड़ा सा आगे पुश करें, ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें हमारा टारगेट क्या है, नसों में जितनी भी जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, जहाँ जहाँ गार्ड बंधी हुई है, उनको खोलना है अपने वेन्स को। तो इस तरह का स्ट्रेचेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरे साथ साथ कर रहे हो तो इसको ऐसे फॉलो अलोंग करें, बहुत अच्छा आपको फायदा रहेगा। यस, अगला अभ्यास, इसके लिए हमें क्या करना है ध्यान से देखें, दाहिने पैर को बिल्कुल राइट साइड में ऐसे खोल देंगे, और बाएं पैर को हम पेरिनियम के बिल्कुल सामने इस तरह से नहीं रखेंगे, ऐसे पेट के सामने ना रखें, थोड़ा साइड में खोल के ऐसे रखें, ठीक है। और फिर किसी किसी को इस तरह से बैठने में परेशानी हो सकता है, आप सीधा नहीं बैठ पाओगे, ऐसे हंच हो जाओगे तो पीछे गिरने वाले होंगे, तो क्या करेंगे, उन लोगों के लिए दोनों हाथों से सपोर्ट ले, ट्रंक को थोड़ा सा रेस करें, और फिर वापस आगे होके थोड़ा सा आगे झुक के बैलेंस करके बैठे, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल अभ्यास शुरू होता है। ये मेरा दाहिना पैर है तो दाहिने हाथ को ही हम घुटने के पीछे ऐसे रखेंगे सपोर्ट के लिए, ओके। फिर पहला चीज़ क्या करना है, बाएं हाथ से दाहिने टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे, साइड वाइज ऐसे जाएंगे एक्सहेल, ठीक है। जैसे आप इस तरह से झुकोगे पूरा पैर में आपको स्ट्रेच आएगा, बिल्कुल हैमस्ट्रिंग में भी, और यहाँ पे कफ में भी, बिल्कुल आर्चलिस टेंडन तक जाएगा ये, ठीक है। फिर उठ जाएंगे, उठने के बाद ये जो आपका ऊपर वाला पैर था, ये जो आपका पैर था साइड में, इस पैर को भी आपको ऐसे नीचे लेके आना है पूरा, ठीक है। और फिर यहाँ से दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए आगे स्लाइड करेंगे ऐसे, ट्राई टू टच योर चिन टुवर्ड्स योर नी। तो इसको आप डायनामिकली करो, इस तरह से उठेंगे साइड में जाएंगे, इनहेल अगेन ड्रॉप दिस नी
look towards the right side, exhale. अब आप जितने भी रिपीटेशन कर रहे हो, फाइनल रिपीटेशन में यहाँ पे आप होल्ड करोगे। एक बहुत ही क्लासिक योगा पोस्चर है, पश्चिमोत्तानासन का एक वेरिएशन, इसका नाम है त्रयंग मुखपाद पश्चिमोत्तानासना। उसी को आप एक बेसिक वे में कर रहे हो, नज़र सामने, चिन को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी ड्रिल को उतने ही बार हमें दूसरी तरफ से रिपीट करना है। सेम, अभी राइट लेग स्ट्रेट हो जाएगा, बॉडी के सेंटर पे ना रखे, थोड़ा साइड में रखे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ की पॉइंट्स, ताकि आप कोई गलती ना करो। लेफ्ट हैंड जो एक्सटेंडेड लेग है सेम, उसको पीछे रखे सपोर्ट के लिए। एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच साइड वाइज एंड इनहेल कम अप, ड्रॉप दिस राइट लेग एंड गो डाउन फॉर त्रयंग मुखपाद पश्चिमोत्तानासना। फर्स्ट फ्यू टाइम्स यू विल बी डूइंग डायनामिकली, ब्रीदिंग का ध्यान रखे, और फिर जब आपका रिपीटेशन पूरा हो जाए 5 से 6 बार, फाइनल में आप होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड तक इस तरह से। इस क्लासिक वेरिएशन में हम क्या करेंगे, नाक नहीं टच करेंगे, चिन को टच करने की कोशिश करेंगे, और नजर आपका, दृष्टि सामने रहेगा। तो ट्राई टू अचीव दिस पोस्चर, ठीक है। यहां से हमारा आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। हम ऐसे बैठेंगे, दंडासन या तो शिथिल दंडासन, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। यहाँ से बायां पैर को फोल्ड कर देंगे अर्ध पद्म वाले पोजीशन में, हाफ लोटस पोज में, और हील को बिल्कुल पेट के पास लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप व्यायाम को देखिए, दोनों हाथ ऊपर, यहाँ से एक्सहेल करते हुए सामने झुकने की कोशिश करेंगे जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। इफ पॉसिबल होल्ड योर टोज एंड फाइनली यू कैन ड्रॉप, जस्ट ड्रॉप योर एल्बोज, बोथ द एल्बोज ऑन द ग्राउंड। अगेन आपके पैरों के पूरा नीचे बहुत अच्छा से स्ट्रेच आएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो आगे लेग एक्सटेंडेड था उस पैर को बाहर की तरफ आपको मोड़ लेना, इस तरह से ऐसे बाहर की तरफ मोड़ लेंगे, और फिर दोनों नीज के सेंटर पे आपको आगे स्ट्रेच करना है अपने बॉडी को इस तरह से। ओके, कम अप, अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड इस तरह से फोल्ड करके आगे एक्सहेल। सेम जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ, पहले डायनामिक रिपीटेशन, ज़्यादा देर होल्ड ना करके बॉडी को ओपन करें, थोड़ी देर मसल्स को वार्म अप दे, एक्सहेल, फिर स्ट्रेच फॉरवर्ड। 5-6 बार रिपीट करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे भी आगे होल्ड करना है अर्ध पद्मपाद पश्चिमोत्तानासना। कम से कम 10 से 15 सेकंड आपको होल्ड करना है, जितना हो सके उतना नीचे जाए। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, पैर को बाहर फोल्ड किया, और फिर अगेन एक्सहेल, स्ट्रेच फॉरवर्ड। ऊपर उठ जाएंगे, फिर इसी को हम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। हमारा 5वां अभ्यास, इनहेल, एक्सहेल, फर्स्ट डायनामिक, इनहेल, इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ लेंगे भारद्वाज आसन की तरह, फिर एक्सहेल फ्रंट। इसको आप बोल सकते हैं सुप्त भारद्वाज आसना। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, फोल्ड इट आउटवर्ड एंड एक्सहेल, एक्सटेंड योर बॉडी फॉरवर्ड। आप अपने सुविधा अनुसार करें, रिपीट करें, फाइनल काउंट में होल्ड करेंगे ऐसे एक्सहेल। पहले तो बैक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों एल्बोज को नीचे टच करने की कोशिश करें। शुरुआत में जस्ट ऐसे हंच करके नीचे
इस तरह का अभ्यास ना करें, बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं। बैक को स्ट्रेट रखेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे, एल्बोस को नीचे टच करें, दृष्टि बिल्कुल सामने। इतना जब अचीव हो जाए तब धीरे धीरे और नीचे जाएंगे। 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग होगी। फील द स्ट्रेच, यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रेच बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। फिर आराम से उठे, श्वास भरे, बाहर की तरफ फोल्ड करें। ये पैर अगर आपका लूज हो गया इसको टाइट करके रखेंगे बिल्कुल, और फिर आराम से एक्सहेल करते हुए पूरे बॉडी को सामने एक्सटेंड कर दें। हियर ऑल्सो यू नीड टू स्टे फॉर 10 to 15 seconds। वेरी गुड। अब आता है हमारे सातवीं और आखिरी अभ्यास आज के इस सेशन का। उसके लिए हम अपने प्रॉन लाइंग पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब छाती के बल आपको लेटना है और ध्यान से इस अभ्यास को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं अपने बायां पैर को, लेफ्ट लेग को इस तरह से फोल्ड करके जस्ट राइट थाई के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे है जो मेरा हैमस्ट्रिंग मसल है वहाँ पे। और उसके बाद दाहिने पैर को सीधा हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे, अच्छे से पकड़ के रखो, और फिर बाएं हाथ से पुश करके थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल आपका स्टैटिक स्ट्रेच है। और डे बाय डे क्या कोशिश करनी है आपको, ये जो जिस पैर को आपने ऊपर फोल्ड किया है राइट लेग, इसका जो हील है उसको शरीर के साइड से जितना एज यू डू इन भेकासना, जो सामने से देखते रहे, होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड, जितना हो सके उतना नीचे। शुरुआत में जस्ट ऐसे ही होल्ड करके रखो, तब भी आपको थाइस के आगे आपका जो क्वाड्रिसेप ग्रुप है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। तो ये आपका पोस्चर हुआ फाइनल। 10 से 15 सेकंड बिल्कुल स्टैटिक स्ट्रेच देना है, फिर आराम से पैर को अनलॉक करेंगे। अब इसी को हम करेंगे दूसरी तरफ से। अभी दाहिने पैर को रखो बाएं थाई के ऊपर ऐसे, फिगर फोर, अंग्रेजी में 4 के जैसा 4 के जैसा बन जाएगा। अब बाएं पैर को ऐसे सीधा ऊपर की तरफ फोल्ड करें, बाएं हाथ से सेम हाथ से पकड़ लेंगे और खींच के रखेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ। कोशिश करेंगे इस हील को साइड में ज़मीन पर ले कर आने के, जितना पास हो सके उतना। इतना स्ट्रेच देने के बाद दूसरा हाथ मतलब राइट हैंड उससे सपोर्ट लेंगे ग्राउंड पे ऐसे, और अपर बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट करके रखेंगे ये, और फिर बिल्कुल स्टैटिक स्ट्रेच, इजी ब्रीदिंग। दस से 15 सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ देंगे। यहां से फिर फाइनली आप थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए पैरों को इस तरह से जस्ट पैरों को पीछे किक करेंगे, अल्टरनेट लेग्स किकिंग। बहुत ही सरल व्यायाम है, लेकिन आपके बैक के लिए और पैरों के वेरिकोस वेन के लिए ये भी बहुत कारीगर है, ये जस्ट रिलैक्सिंग के लिए करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का 7 बिल्कुल ही सरल व्यायाम जो कि हम करेंगे अपने वेरिकोस वेन से छुटकारा पाने के लिए। मेरे जिन दर्शकों ने वेरिकोस वेन के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़ इसको करके देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कितना रिजल्ट आया। हाँ, 1-2 दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन 15-20 दिन करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने बाकी दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके जानकारी में और भी जो लोग वेरिकोस वेन के शिकार है उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, उनको इस नॉलेज को पास करने में हमको मदद करें। हम आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट और लाने की कोशिश करते हैं, योग के नॉलेज को और बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हर घर में इस योग का अभ्यास होना चाहिए। हमें और आप सपोर्ट कर सकते हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुसुम योगा के पूरे टीम के एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। डेली हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो नीचे व्हाट्सएप में आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा, आप उसमें बात कर सकते हो हमसे डायरेक्टली और हमारे ट्रेनिंग पैटर्न के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ कुसुम योगा।